इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कभी कभी यहाँ पर आपको जब आप कॉल मिलाते हैं तो डायलिंग के बाद सिर्फ यहाँ पर आपको कनेक्टिंग प्रॉब्लम आती रहती है, बार बार कनेक्टिंग प्रॉब्लम आती है। तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, डायलिंग और कनेक्टिंग प्रॉब्लम दोनों आपको आती हैं तब, तो उसके लिए इस फ़ोन में आपको क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए इस फ़ोन में सिर्फ एक ही सेटिंग्स है, बाकी अदरवाइज़ अगर आपका सिम वगैरह ख़राब होगा या कोई और इशू आ रहा होगा तो उसका तो सोल्यूशन नहीं है। बट यहाँ पर सिर्फ एक ही सेटिंग्स है जिसको आप करके ठीक कर सकते हैं। वो क्या है वो यहाँ पर आपको बताऊँगा। बैलेंस मेंटेन करके रखिए पहले तो, और सब चीज़ यहाँ पर सही तरीके से रखिए। सिम एक्टिवेट होना चाहिए, नेटवर्क सही आनी चाहिए। तो उस सिचुएशन में आप मेन्यू में जाइए, सेटिंग्स में जाइए, उसके बाद यहाँ पर नीचे चले जाइए। यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा नेटवर्क, नेटवर्क को खोल लेना है, एक दफ़ा मैनुअल पर लगाना है, स्कैनिंग होगी यहाँ पर नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर स्कैनिंग होने देते हैं पहले। स्कैनिंग होने के बाद यहाँ पर किसी भी एक क्रॉस के आई नेटवर्क पर रजिस्टर्ड कर दीजिए, सही है। इतना आपको करना है, आपका सिम जो यहाँ से बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से मैं यहाँ से क्लोज़ करके आपको दिखा देता हूँ कि हमारा सिम यहाँ पर बंद हो गया होगा, ठीक है। सर्चिंग पर लगा दिया। अब यहाँ पर मेन्यू में जाइए, सेटिंग्स में जाइए, नेटवर्क में जाइए और इसे यहाँ से मैन्युअली से ऑटोमेटिकली पर लगा दीजिए। यहाँ पर स्कैनिंग नेटवर्क होंगे और उसके बाद यहाँ पर ये सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर यहाँ पर अब जो है आपकी कॉल वगैरह आप मिलाएंगे तो वो ईजीली मिल जाएगी। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।